35 साल बाद रणधीर कपूर ने दूर किए बबीता संग गिले शिकवे, तो साथ रहने के लिए खरीदा नया घर, बेचा चेंबूर वाला मशहूर आर के बंगला, बांद्रा के नए अपार्टमेंट में बीवी संग हुए शिफ्ट। कुछ ही दिन पहले की बात है जब कपूर परिवार के चेंबूर वाले मशहूर बंगले आर के हाउस के बिकने की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदरेज प्रॉपर्टीज ने राज कपूर के इस आइकॉनिक बंगले को खरीदा है, जिसके जगह अब महंगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बंगले की डील करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत के बीच हुई है और अब रणधीर कपूर अपने नए घर की वजह से सुर्खियों में हैं। ये बात तो हर कोई जानता है कि करीना और करिश्मा कपूर के पेरेंट्स रणधीर और बबीता ने अपने बरसों पुराने गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। शादी के 17 साल बाद रणधीर बबीता अलग हो गए थे। हालांकि तमाम मनमुटाव और झगड़ों के बाद भी रणधीर बबीता ने अपने रिश्ते को लीगली खत्म नहीं किया था। दोनों बिना तलाक लिए ही शादी के 35 साल तक अलग रहे, लेकिन अब ये मनमुटाव भी दूर हो चुका है। सारे गिले शिकवों को भुलाकर बबीता अपने पति के साथ एक बार फिर से एक ही छत के नीचे रहने लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीवी बबीता के साथ अपना घर बसाने के लिए रणधीर ने बांद्रा में नया घर खरीदा था। खास बात तो ये है कि बीते साल फरवरी में छोटे भाई राजीव कपूर के निधन के कुछ ही महीनों बाद रणधीर बांद्रा में शिफ्ट हो गए थे। कहा जा रहा था कि चेंबूर वाले घर में रणधीर कपूर अकेलेपन का शिकार हो रहे थे। उन्हें बार बार अपने छोटे भाई राजीव कपूर की याद सता रही थी। वहीं करिश्मा और करीना के लिए भी अपने पिता का ख्याल रख पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में बेटियों की गुजारिश पर ही रणधीर कपूर ने अपने चेंबूर वाले घर से बांद्रा में एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया था। रणधीर का ये घर करीना और करिश्मा दोनों के ही घर के करीब है। हालांकि उस वक्त ये खुलासा नहीं हुआ था कि बांद्रा में रणधीर अकेले नहीं बल्कि अपनी बीवी बबीता के साथ शिफ्ट हुए हैं। खास बात यह है कि 35 साल बाद हुए इस मिलन को हुए 7 महीने भी बीत चुके हैं, यानी कि जब रणधीर कपूर चेंबूर से बांद्रा वाले घर में सामान लेकर शिफ्ट हुए थे, उसी वक्त बबीता भी अपने लोखंड वाला फ्लैट से निकलकर सामान समेत पति के घर में रहने आ गई थी। बबीता और रणधीर के फिर से एक साथ रहने से उनकी दोनों बेटियां करिश्मा करीना बेहद खुश हैं। बता दें कि कपूर परिवार ने अपने दोनों पुश्तैनी प्रॉपर्टीज को बेच दिया है। साल 2019 में कपूर परिवार ने इंडियन सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले और अपने पिता राज कपूर के आइकॉनिक आरके स्टूडियो को बेच दिया था। दरअसल साल 2017 में आरके स्टूडियो में आग लग गई थी, जिससे स्टूडियो को जबरदस्त नुकसान हुआ था, जिसके बाद से ही आरके स्टूडियो बंद पड़ा था। वहीं मई 2019 में आरके स्टूडियो को गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीदा था और अब कपूर परिवार ने चेंबूर वाले बंगले आरके हाउस की भी डील कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।